तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे एक खूबसूरत प्लांट के बारे में जिसे अयोनियम कहते हैं। अयोनियम एक सकुलेंट प्लांट है। ये दूसरे कलर्स में भी आते हैं, लाइक ब्लैक, रेड, बर्गंडी और ग्रीन, ऐसे बहुत सारे कलर्स में ये आते हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल अभी सिर्फ ये ग्रीन कलर का अयोनियम है जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा इस प्लांट को किस टाइप का मिट्टी पसंद है, इसे आप किस टाइप के मिट्टी में लगा सकते हो, इसके केयरिंग आप कैसे कर सकते हो और इसका बेस्ट प्रोपोगेशन टाइम कौन सा है। तो वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो मैंने अभी इसे इस छोटे से पॉली बैग पर लगाया है। मेरा प्लांट जैसे जैसे बड़ा होगा, इसमें से ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएगा, तो मैं इसे तुरंत किसी बड़े 10 या 12 इंच के गमले में शिफ्ट कर दूंगा। तो आप भी अपने प्लांट के अकॉर्डिंग गमलों में शिफ्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, इस प्लांट को किसी भी स्पेशल केयरिंग की ज़रूरत नहीं है, बस कंडीशन यही है कि आप इसे जब भी लगाए तो इस प्लांट को ऐसे जगह पर रखें जहाँ से इनडायरेक्ट बट ब्राइट सनलाइट इसे प्रोवाइड हो। लेकिन आप इसे डायरेक्ट सनलाइट पर नहीं रख सकते हो, ऐसे करने से प्लांट मुरझाकर मर भी सकता है। और ज़्यादा डार्कनेस वाली जगह पर भी इसे रखने से इसके पत्तों पर पीलापन आकर वहीं पर ये मर सकता है। तो इसीलिए इसे हमेशा किसी सेमी सेड एरिया पर ही रखें। तो चलिए अब बात करते हैं इसके पोटिंग मिक्स के। तो इसके पोटिंग मिक्स को मैंने 50% लीफ मोल्ट और 50% रिवर्स सैंड को मिलाकर तैयार किया है। मैं अपने ज़्यादातर सकुलेंट प्लांट का पोटिंग मिक्स ऐसे ही तैयार करता हूँ। मैं अपने सकुलेंट प्लांट पर रिवर्स सैंड और लीफ मोल्ट का इस्तेमाल इसलिए करता हूँ क्योंकि लीफ मोल्ट पर जितना भी सकुलेंट प्लांट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए उतना भरपूर मात्रा में मेरे सकुलेंट प्लांट को मिल जाता है, और सैंड जो है वो मिट्टी को वेल ड्रेन बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस आयोनियम की प्लांट को कितना पानी देना चाहिए। तो आयोनियम एक सकुलेंट प्लांट है, तो सकुलेंट प्लांट को गीला मिट्टी भी पसंद नहीं है और बिल्कुल ड्राई मिट्टी भी पसंद नहीं है। इसको हमेशा मॉइस्ट रखें और इसके जब टॉप लेयर ड्राई हो तभी इसे पानी दीजिए, और आप इसे कटिंग के द्वारा प्रोपगेट कर सकते हो। और सबसे बेस्ट प्रोपगेशन टाइम विंटर को माना जाता है। आप किसी भी प्रकार के सकुलेंट को विंटर में आराम से उगा सकते हो। समर में थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि समर में इसका ग्रोथ रुक जाता है, तो आपको विंटर में ही इसे उगाना होगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।